चौदस है, चौदस की धोख लगती है तो चौदस मिट्टी निकलती है। यहाँ मंदिर है माई रानी का बच्चों के लिए, वहाँ धोख मारने जा रहे हैं हम, तो मंदिर जा रहे हैं अभी। आ गया मंदिर, वो देखो आगे देखो रेडियां लग रही है, पता है प्रसाद मिल रहे हैं, यहाँ सारा सामान मिलता है इधर अंदर भी। आगे मंदिर में, चलो दिखाते हैं आपको भी मंदिर, धोख मारेंगे आगे मिट्टी निकालेंगे। सुबह ज्यादा भीड़ होती है, शाम को कम है। माता रोक रही है प्रसाद के लिए, माता ले लिया प्रसाद हमने, अब खाली खाली सा है। सुबह ज्यादा भीड़ होती है। आने वाला मंदिर, मंदिर आ गया बस आगे, ये सामने मंदिर ही है बाकी, बहुत बड़ा मंदिर है और मान्यता बहुत ही आ गई है, बच्चों के लिए है ये, पुत्र के लिए लेंगे ना अच्छे से। ये देखो मंदिर आ गया भाई, चलो आज धोख मारेंगे। गाड़ी का गेट बंद कर दो, गेट चलो 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 फिर लगाएंगे। चार कोने है, चारों कोनों से तेल और सिंदूर कर देते हैं, यही मान्यता है इस चीज की। यहाँ पे ऊपर गेट जो मैं बहुत मान्यता है। मिट्टी निकालेंगे अब, मिट्टी निकालने की मान्यता है यहाँ, बहुत तकलीफ मिट्टी वहां से ले आनी खुदी हुई है, मिट्टी अपने हाथों से अपनी मिट्टी खोद के फिर लेके आनी है, सात बार मिट्टी चढ़ानी है यहाँ पे, और बहुत जितनी ऊपर ऊपर तक चढ़ानी चढ़ानी है, ऊपर यहाँ ऊपर तक चढ़ानी है मिट्टी। बच्चों के कान में दर्द हो, आंख में हो, जीभ में हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो छोटे बच्चे की, सारी ठीक होती है यहाँ पे। आप भी आए यही धोख मारे जरूर, मिट्टी निकाल के गए। ये देखो ऐसे खुद मिट्टी निकालनी होती है अपने हाथों से। बाहर आ गया दो बार नहीं कर, आगे शिव जी का मंदिर भी है। आप भी दोस्त लगाओ सभी, मेरे चप्पल तो वही फ्री है वो फ्री। धोख मार ली है पोती के लिए, धोख मरवाने आए थे, पोती को धोख मरवा ली, हम सब ने धोख मारी है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। आप भी यहाँ आओ धोख मारने के लिए, और अब घर जाएंगे बस, तो अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय, थैंक यू। Thank you.